इधर रीवा में पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र शुक्ल ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यालय में सांसद जनार्दन मिश्रा भी मौजूद रहे। संकल्प पत्र में बीजेपी ने अब तक के कामों को तो गिनाया ही, साथ ही साथ कई वादे भी किए। जीतने के बाद पार्टी के पास विकास का क्या फॉर्मूला है, इसे भी संकल्प पत्र में बताया गया। तो बीजेपी की ओर से जारी संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले लोकसभा और विधानसभा के मैनिफेस्टो में रीवा मेयर प्रत्याशी की फोटो लगा दी गई है और इस संकल्प पत्र में नगर निगम क्षेत्र में रहने वाली जनता के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सरकारी मंत्रालय के स्तर पर भी जो जब कभी समीक्षा होती है तो जिस साइज का रीवा है, जितनी रीवा की आबादी है, उस आबादी वाले जितने भी शहर हैं पूरे देश में, किसी ने इतनी तेज गति से तरक्की नहीं की जितनी तेज गति से तरक्की रीवा में हुई है। इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने वो सारे कामों का भी उल्लेख किया है जो काम पूरे हो गए हैं, जो आने वाले दिनों में जिन प्रोजेक्ट्स को हमको पूरा करना है। मुझे लगता है कि ये विधानसभा टाइम का वो है, पीछे राजेंद्र शुक्ला जी का ही संदेश भी है इसमें। प्रबोध व्यास जी का तो सिर्फ फोटो लगी है, इनका कोई संदेश नहीं है, कोई विजन नहीं दिख रहा नगर निगम। हाँ, इसमें मुझे कोई विजन नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि ये शहर के लिए इनका कोई विजन है। और वैसे भी मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का रीवा नगर निगम में 25 वर्ष की है और इसके बाद भी इनको पेयजल की अगर तैयारी करने की जरूरत पड़ रही है तो आप सोच लीजिए इन्होंने विगत 25 वर्ष में क्या किया।